हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल, वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर टॉल बॉय डिजाइन हैचबैक कार के फेसलिफ्ट अवतार को कंपनी ने सबसे पहले 2019 जनवरी में लॉन्च किया था। बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, डायनेमिक और बिगर साइज के साथ। तब से अब तक 4.5 साल हो चुके हैं, इसके डिज़ाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि लास्ट ईयर इसकी ड्यूल टोन अवतार रेड कलर में लॉन्च किया गया था, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, लेकिन डिज़ाइन एज इट इज़ रखा गया है। मारुति सुजुकी बहुत जल्दी इसकी फेसलिफ्ट अवतार को लॉन्च कर सकती है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में। यही नहीं दोस्तों, मारुति सुजुकी वैगनार पे बेस्ड एक 7 सीटर MPV भी लॉन्च कर सकती है कंपनी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन डायनेमिक्स के साथ अवेलेबल होगी, काफ़ी अच्छी खासी फीचर से लैस होगी, जो कि कॉम्पीट करेगी रेनो की मोस्ट पॉपुलर MPV ट्राइबर को, जो कि बहुत ही बजट MPV रहने वाली है। जहां तक इसके डिज़ाइन डायनेमिक्स की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ही शानदार LED डे टाइम रनिंग लाइट, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी शानदार फॉग लैम्प, फ्रंट ग्रिल बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। इसके ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक आउट होने वाले हैं, बॉडी कलर ग्रैब हैंडल और साथ ही स्लाइडिंग डोर मिलने वाले हैं आपको इसमें। इसके साइड प्रोफाइल में 15 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील मिलने वाले हैं, जो कि ब्रेजा से रिजेंबल करने वाले हैं। और इसके ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल देखने को मिलेगा, और वहीं इसमें ड्यूल टोन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में इसमें रूफ रेल देखने को मिलेगा, LED टेल लैंप यूनिट, और इसके साथ ही इसके डायमेंशन जो है अंडर 4 मीटर रहने वाली है, अंडर 4 मीटर MPV, और इसकी काफ़ी अच्छी खासी सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। जहां तक इसके इंटीरियर की बात करें तो यहां पे आपको ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और फ्रोंग से मिलता जुलता इसका इंटीरियर रहने वाला है। 9 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्लैट बॉटम टिल्टेबल, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर देखने को मिलेगा। जहां तक सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो 2+3+2 की कॉन्फ़िगरेशन में आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस। इसके बावजूद भी आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल्ड ग्लोव बॉक्स जैसे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। जहाँ तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाली है BS6 सेकंड स्टेज RDNE20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K12N स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 88.5 PSP की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 5-स्पीड मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन। माइलेज कंपनी क्लेम कर सकती है दोस्तों 22 KMPL की माइलेज। कंपनी इसका CNG वेरियंट भी लॉन्च कर सकती है। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मिलने वाली आपको 6 एयरबैग, ABS विद VD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, डी नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, ब्रेटेसनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, डिसेंट कंट्रोल, डोर अजर वार्निंग, क्रैश सेंसर्स, इंजन चेकिंग वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स आपको इस 7 सीट MPV में देखने को मिलेगा। जहां तक एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रेंज की बात करें तो इस 7 सीटर MPV की प्राइसिंग हो सकती है 6.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। ये थी दोस्तों 7 सीटर मारुति सुजुकी वैगनार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज़, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।